Now few more questions on percentages. तो suppose करो कि ये पहला question consider करते हैं. Question क्या है? Traveling from home to office, if I increases my speed by 37.5% of my usual speed, what percentage of time I would save? तो किस तरीके से अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को वो देखते हैं. ओके, इसमें थोड़ा टाइम डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो भी यूज होने वाला है. ओके, तो मैंने कहा कि अगर मैं डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखूं तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ऐसे भी लिख सकता हूं. मुझे पूछ किसके बारे में रहा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ टाइम, टाइम के बारे में पूछ रहा है. मींस टाइम के बारे में जो परसेंटेज का चेंज है वो पूछ रहा है. तो मैं इसको क्या कर लूंगा, टी इक्वल टू डी अपॉन एस, तो कहूंगा टी प्रोपोर्शनल टू डी एंड टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, ऐसे कर लूंगा. क्यों? क्योंकि इसमें रेशियो प्रोपोर्शन का जो वेरिएशन का कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लाइंग फैक्टर का वो मैं यूज करूंगा. तो देखते हैं कैसे अप्रोच करते हैं, कैसे अप्रोच करते हैं. यहां पर क्या बोल रहा है कि जो स्पीड है यहां से ट्रेवलिंग फ्रॉम होम टू ऑफिस, इफ आई इंक्रीजेज माई स्पीड टू 37.5% ऑफ माई यूजुअल स्पीड, इसका मतलब है यहां से मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं S डैश इक्वल टू क्या 37.5% से स्पीड बढ़ा ली है. इसका मतलब 137.5/100, ये 37.5% ऑफ S, ये इस तरह से कर दी है. तो इंक्रीज कर दिया तो 1, ये मैंने ये कर दिया है. इसको अब मैं क्या करूंगा, इसको अगर आप रिजॉल्व करें, अगर इसको रिजॉल्व करें तो क्या हो जाएगी, ये 1375/1000. ओके, इसको रिजॉल्व करेंगे तो कितना होगा, ये 11/8. ओके, तो ये क्या हो गया, S डैश इक्वल टू 11/8S, ये मुझे मिल गया. अर्थात अगर मैं लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं S, और इसमें 11/8 मल्टीप्लाइंग फैक्टर है तो मुझे क्या मिल जा रहा है, S डैश, और S डैश है क्या 11/8S. ऐसे जब कहता है अगर मैं यहां से अपने ऑफिस के लिए अगर अपनी यूजुअल स्पीड से 37.5% बढ़ा देता हूं तो कहता है कि टाइम में क्या इफेक्ट आएगा, क्या ये डिस्टेंस बदली है, ये डिस्टेंस कांस्टेंट है. मींस डी इक्वल टू डी डैश, अर्थात यहां से यहां मैं कहूं कि ये डी है और ये डी डैश है तो डी डैश भी डी ही है. तो यहां से मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हुआ, 1. मतलब देखते हैं, S से ये S डैश, D से ये D डैश और T से ये T डैश. हमको चाहिए क्या, T डैश. तो देखते हैं कैसे अप्रोच करेंगे. S से S डैश जा रहा हूं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितने का है, 11/8 का. D से D डैश जा रहे हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितने का है, 1 का. T से T डैश जाऊंगा तो ये रेशियो क्या होगा, किस तरह से क्या डिपेंड करेगा. तो कहता T डैश इक्वल टू T. अब S D T ये तीनों रिलेटेड हैं, किस तरह से क्या वेरिएशन है वो ये गिवन है. टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस एंड टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड. तो देखते हैं पहले मैं किसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर, स्पीड पे आता हूं. कहता है स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आप जानते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो जाता है, 1/mf हो जाता है, अर्थात 8/11 मल्टीप्लाई होगा. ओके, डिस्टेंस डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डिस्टेंस पे कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ रहा है तो ये सिर्फ 1 का ही मल्टीप्लाई होगा. तो अगर यहां से आप देखें टी डैश अपॉन टी इक्वल टू क्या,
8 अपॉन 11 ये स्टोरी है। अगर यहां मैं और इसको ठीक से लिखूं टी डैश इक्वल टू क्या 1 माइनस 3 अपॉन 11 तो ये मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1 माइनस 3 अपॉन 11 टी ऐसे भी लिख सकता हूं तो देखें आप ये वाली जो चीज है ये मुझे परसेंटेज का चेंज देगी ठीक है। तो 1 अपॉन 11 क्या है 1 अपॉन 11 9.09 और उसका ये 3 टाइम्स है तो इसमें हम क्या कर देंगे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 27.27% का चेंज होगा। कैसा चेंज देखिए बीच में साइन क्या है माइनस मतलब जो उसका टाइम है वो 27.27% से डिक्रीज कर जाएगा ओके। अगर वो अपनी यूजुअल स्पीड को 37.5% से बढ़ा देता है तो उसका टाइम ऑफिस पहुंचने का 27.27% से डिक्रीज कर जाएगा ओके। सो दिस इज हाउ वी मींस वी आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। व्हाइल प्रिपेयरिंग द प्राइस टैग इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग द प्राइसेस बाय 12.5% अ शॉपकीपर डिक्रीज द प्राइसेस बाय 12.5%। एक शॉपकीपर को प्राइस टैग तैयार कर रहा था वो तो उसको जो प्राइस टैग चिपकाना था पेश करना था वो 12.5 बढ़ा करके जो ओरिजिनल प्राइस था उसे 12.5% बढ़ा के पेश करना था लेकिन उसने क्या कर दिया 12.5% लेस का टैग चिपका दिया तो क्या कहता है फाइंड द परसेंटेज डिफरेंस इन द प्राइस ऑन द टैग कंपेयर्ड टू द What should have been the price tag? Okay? तो किस तरह से अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को देखते हैं। मैंने कहा कि जो what should have been upon क्या what is the price? ये दो रेशियो what should have been the price? एंड वॉट इज द प्राइस ये रेशियो निकालता हूं ओके। वॉट शुड हैव बीन और ये वॉट इज द प्राइस ये रेशियो निकालता हूं तो देखते हैं कि क्या होता है वॉट शुड हैव बीन। वॉट शुड हैव बीन का मतलब 12.5% से प्राइस इंक्रीज करनी चाहिए थी। अच्छा यहां पर यह भी समझ लिया जाए कि ये 12.5% का क्या मतलब है। इसका मतलब है 1/8 What should have been तो 12.5% से इंक्रीज करना था तो इंक्रीज करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 ये होना चाहिए था लेकिन उसने 12.5% से डिक्रीज कर दिया तो उसने कर क्या दिया What is the price उसने कर क्या दिया है 7/8p तो यहां से ये जो रेशियो आ गया है वो क्या है 9/7 What should have been What is price ये 9/7 का ये रेशियो आ गया है ओके। अब मुझे क्या निकालना है ये चीज के रेफरेंस में मुझे निकालना है तो देखो मैं लिखता हूं इसको What is price इक्वल टू क्या करूंगा इसको अगर इसके रेफरेंस में निकालूं तो लिखूंगा इसको 7/9 What should have been price ये माइनस नहीं है व्हाट शुड हैव बीन प्राइस ओके। इस तरह से लिख दिया अब इस क्वांटिटी को क्या लिख सकता हूं 1 माइनस या क्या लिख सकता हूं इसको ये गैप खत्म करते हैं पी लिख देते हैं गैप खत्म करते हैं कंफ्यूजिंग लग रहा है माइनस जैसा ओके। तो अब देखो क्या करना चाहिए मुझे What is price? तो इसको मैं what should have been minus 2 by
माइनस टू बाई नाइन, माइनस टू बाई नाइन डब्ल्यू एस एच बी पी, ये कर दिया। इसके पीछे तो वन बाई वन है, तो ये कितना है, ये तो पूरा 100% है, ओके। और ये कितना है, वन बाई नाइन की वैल्यू आपको पता है, वन बाई नाइन की वैल्यू है 11.11%। और यहां टू का मल्टीप्लाई हो रहा है वन बाई नाइन में, तो यहां से कितना 22.22% ऑफ क्या व्हाट शुड हैव बीन। तो अब देखते हैं ये हमारा आंसर है, एक बार सवाल पढ़ लेते हैं क्या। While preparing the price tag, instead of increasing the prices by 12.5%, a shopkeeper decreased the prices by 12.5%. Okay. Find the percentage difference. Find the percentage difference in the price on the tag compared to what should have been the price tag. जो अभी का price tag है, जो गलती से tag हो गया, और जो होना चाहिए था, दोनों के बीच का डिफरेंस परसेंटेज में आपको बताना। व्हाट शुड हैव बीन द, फाइंड द परसेंटेज डिफरेंस इन द प्राइस ऑन द टैग कंपेयर टू द व्हाट शुड हैव बीन द प्राइस टैग। तो देखो व्हाट शुड हैव बीन द प्राइस टैग, ये मैंने इधर निकाल दिया, तो क्या कहता है 22.22% का, 22.22% का डिफरेंस है, ओके जो होना चाहिए था उससे डिक्रीज्ड, माइनस क्या बोल रहा है, डिक्रीज्ड, उससे 22.22% कम है, एंड देयरफॉर 22.22% इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन क्या है। Since the price of the mangoes increased by 6.66%, the wholesaler was able to purchase 18 mangoes less to his budget of 864 rupees. What is the increased price of each mango? Okay, तो यहां पर जरा सा कुछ देखते हैं। एक तो हो गया इसका प्राइस ऑफ ईच मैंगो, एक हो गया क्या क्वांटिटी ऑफ ईच मैंगो, क्वांटिटी ऑफ मैंगो, और एक अमाउंट, अमाउंट। तो अमाउंट हमको पता है वो कितना था, 864 था, अमाउंट कितना था 864 रुपीज। क्वांटिटी और प्राइस का भी कुछ इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है इसमें, क्वांटिटी और प्राइस की इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो देखते हैं कि इसको कैसे हैंडल करेंगे। कैसा, सिंस द प्राइस ऑफ मैंगोज इंक्रीज्ड बाय 6.66%, तो यहां से क्या क्या है 6.66%, फ्रैक्शन में ये क्या है 1/50, ओके। अच्छा यहां पर एक चीज, इन तीनों के बीच में रिलेशन है क्या, अमाउंट इक्वल टू क्वांटिटी इनटू प्राइस, कितनी क्वांटिटी है और प्राइस क्या है, तो ये इस तरह से रिलेशन है, जिसमें से ये क्या है, ये कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि उसको 860 रुपीज में ही जो इंफॉर्मेशन है उतने में ही सब करना, ओके। अगर 864 रुपीज है, अगर आपने प्राइस बढ़ा दिया है तो वो मैंगोज कम लेगा, और वही कम मैंगोज कम ले रहा है उसकी इंफॉर्मेशन गिवन है। तो यहां से अगर देखें तो क्या कहता है, प्राइस इंक्रीज्ड बाय 6.66%, मतलब इनिशियली The price was P, but later price P dash was increased by 6.66%. तो ये कितनी हो गई, 16 upon 15 P, ये इतनी हो गई।
मतलब यहां मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितने का है, 16 अपॉन 15 का. ओके, 16 अपॉन 15 का ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है. अब देखते हैं भाई कि कैसे अप्रोच करना है इसको. ओके, देखते हैं कैसे अप्रोच करना है. यहां से एक इंफॉर्मेशन हमको और गिवन है, यहां से एक इंफॉर्मेशन हमको और गिवन है. क्या गिवन है देखो, कहता है द होल सेलर वॉज एबल टू परचेज 18 मैंगोज लेस टू हिज बजट. मतलब अगर पहले कितने मैंगो लेता था, क्यू मैंगोज लेता था, क्वांटिटी क्यू लेता था, तो अब जो 18 कम ले रहा, मतलब क्यू डैश क्या है, जो नया क्वांटिटी है वो 18 लेस करके है. ये भी बात हमको समझ में आ गई. ओके, अब यहां से ध्यान से देखना क्या कह रहा है हमको. अच्छा, जो ए और ए डैश है वो दोनों सेम है. क्यों? क्योंकि जब ए अमाउंट था 864 रुपीस था तो क्यू लेता था. जब ए डैश अमाउंट अभी भी उसका 864 है तो 18 कम मैंगो लेता. इसका मतलब ए पे कोई चेंज नहीं आ रहा है. मतलब ए से यहां जाऊंगा तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितने का है, 1 का ही है. अब देखते हैं, मुझे मैंने कहा क्यू डैश चाहिए, तो क्यू यहां से क्यू क्या है, प्रपोर्शनल टू ए अपॉन पी. ए के तो डायरेक्टली प्रपोर्शनल है, पी के इनवर्स प्रपोर्शनल है. ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा. क्यू डैश इक्वल टू क्यू इंटू, अगर ए की बात करूं तो 1 का मल्टीप्लाई करूंगा, अगर पी का बात करूं तो पी में जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो रिवर्स हो जाएगा. तो ये कितना हो गया, 15 अपॉन 16. तो यहां से Q डैश इक्वल टू क्या आ गया, 15 अपॉन 16 Q. ये आ गई इंफॉर्मेशन. ये इंफॉर्मेशन को इसमें पुट करा दो तो यहां से क्या मिल जाएगा, Q माइनस 18 इक्वल टू 15 अपॉन 16 Q. 15 अपॉन 16 Q. तो यहां से क्या हुआ, Q माइनस 15 अपॉन 16 Q इक्वल टू 18. तो यहां से Q अपॉन 16 इक्वल टू 18. तो यहां से Q इक्वल टू कितना आ गया, 16 इंटू 18. और ये कौन सी क्वांटिटी है, ये ओल्ड क्वांटिटी है. अगर न्यू Q डैश चाहिए तो न्यू कितना है, न्यू ये है 18 कम. इतने मैंगो लाता वो पहले, इतने मैंगो लाता वो पहले, लेकिन अब कितने लाएगा, 864 रुपए में, 864 रुपीज में. Q माइनस 18. ओके, तो अब हमको क्या पूछ रहा है, अब क्वेश्चन करीब करीब सॉल्व हो चुका है. तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, ओल्ड प्राइस पर मैंगो, पर मैंगो ओल्ड प्राइस. तो 864 रुपीज का कितना मैंगो लाता था, 16 इंटू 18 मैंगो, 16 इंटू 18 मैंगो. ये क्वांटिटी को आप सॉल्व कर लो, आपको ओल्ड प्राइस पता चल जाएगी, ओल्ड प्राइस पर मैंगो पता चल जाएगी. ओके, अब यहां से देखते हैं क्या है, व्हाट इज द इंक्रीज्ड प्राइस ऑफ ईच मैंगो, व्हाट इज द इंक्रीज्ड प्राइस ऑफ ईच मैंगो. तो यहां से क्या मिल गया, यहां से आपको ओल्ड मैंगो की प्राइस पता चल गई पर मैंगो, न्यू मैंगो प्राइस, न्यू मैंगो प्राइस, न्यू मैंगो, न्यू पर मैंगो प्राइस, न्यू पर मैंगो प्राइस, ये आपको यहां से पता चल जाएगी. कैसे, आपको ये क्यू गिवेन है, 16 इंटू 18 गिवेन है, इसमें से क्या करो 18 और सब्ट्रैक्ट कर दो, तो इतने मैंगो नई कीमत पे मिलते हैं. तो यहां से क्या कर लो, 864 अपॉन 16 इंटू 18 माइनस 18, ये निकाल लो. ओके, इन दोनों को डिफरेंस कर दो, इन दोनों को डिफरेंस कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, यू विल गेट द व्हाट इज द इंक्रीज्ड प्राइस ऑफ ईच मैंगो, आपको पर मैंगो इंक्रीज्ड प्राइस क्या है वो मिल जाएगा. ओके, एंड दैट्स